प्रदेश का अमरोहा शहर मशहूर है देश विदेश में अपने ढोलकों के लिए। आइए देखते हैं क्या है रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज, अमरोहा उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में तैयार की जाती हैं ढोलकें। अमरोहा ढोलक के व्यापार से देश विदेश में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहां बनाई जाने वाली ढोलकें देश विदेश के सभी हिस्सों में पहुंचती हैं। इस व्यवसाय से जुड़े कारखानों में काम कर रहे कर्मचारियों से 24 आवर्स टुडे न्यूज टीम ने की खास मुलाकात। कारखानों में काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ तैयार की जाने वाली ढोलक देश विदेश के सभी स्थानों पर पहुँचती हैं। हमारे यहाँ बनाई जाने वाली ढोलक की मांग सबसे ज़्यादा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसकी मांग में कमी आई है। तैयार किया हुआ माल गोदामों में पड़ा है, जिसके कारण रोजगार के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। घर चलाने में भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद अमरोहा से राजकुमार की खास रिपोर्ट। ढोलक के ऊपर का आकार बनाया जाता है, किस तरह से ढोलक को तैयार किया जाता है, कैमरामैन से कहेंगे कुछ तस्वीरें दिखाएं। हम यहां कारखाने में मौजूद हैं जहां पर ढोलकें तैयार की जाती हैं। यहां पर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वह ढोलक को किस प्रकार से तैयार करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? तो आप ये क्या लगा रहे हैं इस पर ढोलक के ऊपर? ये मरम्मत लगा रहे। अच्छा, मरम्मत का काम है आपका? काम मरम्मत करने का यहीं तक का? अच्छा। लॉकडाउन से पहले ये काम कैसा था? अच्छा, लॉकडाउन के बाद बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा, पहले से पहले के मुकाबले अब बहुत असर पड़ चुका है? आप तो बहुत अच्छा, आपके पास भी ढोलक और किसी हाथ में भी जाती है तो और भी कुछ कार्य होता है? जैसा यहाँ पर मौजूद है कर्मचारी, उन्होंने हमें बताया कि ये मरम्मत का काम करते हैं और इसके बाद ये ढोलक आगे जाती है, जिससे जिस पर कि पोलिश का काम भी किया जाता है। एक कर्मचारी और हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। अंकल जी, आपका नाम क्या है? अंकल जी, आपका क्या काम है? ढोलक को ज्वाइन करने का काम है आपका? ड्राइंग करने का काम है। अच्छा, आपके हाथ से फिर आगे भी जाती है ढोलक? ये कई हाथों में जाती है। अच्छा, इसके ऊपर अभी क्या कार्य बाकी है? अभी इसका मसाला लगेगा। अच्छा, मसाला लगाने के बाद में इसकी ब्रेक मार लगेगा, पोलिश होगा, 15-10 हाथों में जब जाके तैयार होती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका भी मरम्मत का कार्य है, जो ये ढोलक का हिस्सा दो भागों में बटा हुआ होता है उसको ये एक करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और भी कर्मचारी मौजूद हैं, हमसे भी कर्मचारी मौजूद हैं जो ढोलक बनाने का काम भी करते हैं। आइए हम उनको जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से। काम करते हैं एकदम मजदूरी करके अपने घर लेते हैं। जब तक 5 महीने तो लॉकडाउन हुआ, 6 महीने हो गए हैं कि गरीब आदमी तो भीख मांग के खा लिया, अमीर आदमी अपने जेब में पैसा था वो अपना घर पा रहा, लेकिन हम बीच के आदमी जो थे इतने पिस गए कि हम भीख भी नहीं मांग सकते और हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के तहत आपके इस बिजनेस पे क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन के तहत बिजनेस पे असर पड़ा तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बंद हुआ। जी, ट्रांसपोर्ट बंद होना तो विदेश को माल जाना मतलब खत्म हो चुका है, लगभग, और खुला भी नहीं है। तो हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लोग बाग बहुत ज़्यादा कर्जों में हो गए हैं, इस लकड़ी का काम ना कुछ रहा नहीं। सर, हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की लकड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं ढोलक बनाने में? हमारे यहाँ ज़्यादातर लकड़ी जो है ना, एक लकड़ी होती है पॉपुलर की, छूट होती है, सरकारी तरफ से खरीद ज़्यादातर उसका इस्तेमाल होता है और अन्य लकड़ियों का नहीं इस्तेमाल होती। तो सर, यहाँ से जो है ढोलक तैयार होकर कहाँ कहाँ तक जाती है? पूरी दुनिया में जाती है, मतलब पूरी दुनिया में जाती है, लेकिन और जगह भी तैयार होती है। लेकिन अमरोहा का भी नाम था, लेकिन हमने सारा नाम मछली में मिल गया। हम चाहते हैं कि अमरोहा से भी कोई
अमरोहा से अलग से दो तीन जिले ऐसे हैं जहाँ ढोलक बनती है, जैसे गोंडा है, औरैया है और नान बहराइच है। ये थोड़े छोटे छोटे चार जहाँ पाँच पाँच दो से चार मशीनें लगी हैं बस उसके बाद। असल में लकड़ी की वजह से आदमी कारोबार नहीं करता, बहुत थक जाता है, इसमें मेहनत बहुत है, मजदूरी नहीं। और भी खाना चाहेंगे हम, क्या सबसे ज़्यादा सप्लाई यहीं से होती है? नहीं, पहले कभी होती थी लेकिन अब हालात इतने ख़राब है, जैसे 100% काम था 40% रह गया। चालीस परसेंट रह गया, वो भी सीमेंट ना वो बंद होने को तैयार है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का वो बंद आ गया है, प्लास्टिक की ढोलक प्लास्टिक की बनने लगी है, और जब फिर प्लास्टिक की आ गई है तो ये हमारा ख़त्म होने लगा। हाँ, तो इसके करके आपकी मतलब जो रोजी रोटी का भी आधार बढ़ गया, आधार बढ़ाया तो मजदूर ऐसे हैं कि 200-200 रुपये में अपना गुजारा कर रहे हैं, इतनी हालत ख़राब है तो कह नहीं सकते आप हुए लेकिन निकलते हैं। जैसा कि यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, उन्होंने हमें बताया कि पहले ढोलक का काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ही इस प्रकार से कोरोना महामारी भारत देश में भी अपने पार पसारे, और महामारी के चलते देश को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था, उसके चलते इस ढोलक के व्यापार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, इसके चलते यहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रोजी रोटी में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब लॉकडाउन खुल चुका है लेकिन अभी भी पूरी तरह से व्यवस्था सुधर नहीं पाई है, धीरे धीरे व्यवस्था सुधरने को आएगी, लेकिन अभी फिलहाल में इनकी हालत बहुत ही खस्ता है, रोजी रोटी के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भी हैंडीक्राफ्ट, और भी हम इनसे जानना चाहेंगे, सरकार ने भी हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमारे पास कार्ड बने हुए हैं हैंडीक्राफ्ट के, लेकिन सरकार ने हमें किसी योजना का लाभ नहीं है, क्योंकि हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था श्रम विभाग में, क्योंकि हमारे पास हैंडीक्राफ्ट के कार्ड बने हुए हैं, हम लकड़ियाँ काम करने वाले, हमें उस कार्ड के तहत कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला, जी किसानों को मिल गया उनका मोहनी वाला, जो मजदूरों को रजिस्ट्रेशन था उनका, हमारा रजिस्ट्रेशन वो कार्ड हमारे पास बने हुए, हमें उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि इनके पास श्रम विभाग का कार्ड भी बना हुआ था, लेकिन उसके चलते जो हैंडीक्राफ्ट का कार्ड होता है, लेकिन उसके चलते इन्हें उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। मैं राजकुमार, कैमरामैन भगवान सिंह के साथ News 24 टुडे ढोलक म्यूजिकल शो पर, जहाँ पर अभी हमने पीछे आपको दिखाया था कि किस प्रकार से कच्चा माल तैयार किया जाता है, और वहाँ किस प्रकार से ढोलक के ऊपर का जो फ्रेम होता है उसकी मरम्मत की जाती है, और अभी हम यहाँ शॉप पर मौजूद हैं चाहत ढोलक म्यूजिक शॉप पर, और यहाँ पर भैया मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पर वहाँ से आए हुए ढोलकों की मरम्मत किस प्रकार से करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद। तो आप यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं? ढोलक के ऊपर का कच्चा माल जैसे आपके पास आता है तो आप इस पर क्या क्या मरम्मत करते हैं? ये पहले तो कच्चा माल आता है जी, उसके बाद इसकी मरम्मत रिपेयरिंग की जाती है, रंग किया जाता है, काफ़ी आइटम वगैरह इसमें किया जाता है, उसके बाद जो है तैयार की जाती है जी, और इसमें समय बहुत लगता है तैयार करने में एक आइटम जी, तो इसलिए जो है इसका जितना हमें तैयारी में इसमें लगती है उतनी हमें इसमें मेहनत पड़ती है, इतना बेनिफिट हमें इसका है ना। अच्छा, नहीं मिल पाता। अच्छा, इसके ऊपर जो जो खाल लगती है वो किस किस वो बकरे की खाल लगती है? अच्छा, बकरे की खाल लगती है। अच्छा, इस पर और भी कोई आइटम लगा सकते हैं जैसे कि? नहीं नहीं, और आइटम इसमें चलेगा नहीं ना। अच्छा, सिर्फ बकरे की खाल देती है, फिर फाइबर आता है, मेरठ का आता है फाइबर, ब्लैक वो लगता है। अच्छा, वो लगता है। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के लगने के बाद कितना असर पड़ा इस बिजनेस पे? इस पे तो 50% से भी ऊपर असर पड़ा है। असर पड़ा है, काम बिल्कुल बंद है, सिर्फ अभी खुला है, बाकी अब जब ट्रेनें खुल जाएँ या लॉकडाउन बिल्कुल खुल जाए उसके बाद ही काम खुल जाए। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ से जो माल है तैयार होने के बाद कहाँ कहाँ तक जाता है? यहाँ से जो माल है हिंदुस्तान के सभी कोने पर जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, जयपुर, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र और भी काफ़ी जमा जाता है। अच्छा, यहाँ से देश विदेश भी माल जाता है? नहीं, यहाँ से तो हम लोग जो करते हैं वो लोकल में ही करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही अंदर, बाकी जो हम बाहर भेजने वाले वो लोग आगे आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे आप ये काम कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग मुझे 18 साल तो होगा, 18-20 साल से। आपकी शॉप है, खुद की शॉप है? मेरी अपनी शॉप है, और बाकी मेरे तो वालिद साहब करते थे जी, जब से नहीं। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजली चला रहा है? वही चल रहा है, अमरोहा के अंदर जितने भी लोग हैं सब जी जी, सब ज़्यादातर यही काम करते हैं ढोलक। अमरोहा ज़्यादातर ढोलक के नाम से ही जाना जाता है? अमरोहा जो जाना जाता है सिर्फ ढोलक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमरोहा के अंदर ही ढोलक बनती है और कहीं बनती है और कहीं बनती नहीं। जैसा कि अभी यहाँ भैया ने बताया कि
यह ढोलक का काम बहुत ही मेहनत का काम है और हमें जितना मेहनत इसमें बनाने में लगती है उसका मार्जिन हमको नहीं मिल पाता है। और लॉकडाउन के लगने के बाद तो बहुत ही खस्ता हालत हो गई है, जिससे कि ढोलक के बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है।